गाइस, आज आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दिल से एक रिक्वेस्ट है। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज बना रहे हैं, और हमारे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। गाइस, अब और देरी नहीं, बस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, एकदम फ्री है। चलो साथ करते हैं, 3, 2, 1, डन। कर दिया ना? पक्का ना? चलिए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। खैरताबाद साइंस कॉलेज। विशु और उमे कॉलेज के सबसे अफलातूनी लड़कों में से थे। जो ना बोला जाए वो सबसे पहले करने पहुंच जाते थे। इसलिए कॉलेज ट्रिप पर हैदराबाद आए स्टूडेंट्स में सबसे ज्यादा मजे भी वही दोनों कर रहे थे। उन्हें कई बार उनके सीनियर्स ने भी डांटा था कि कहीं ये बदमाशी उन्हें भारी ना पड़ जाए। भले ही अभी ये उनके कॉलेज का पहला साल ही था, मगर वो दोनों ही हर चीज एक्सपीरियंस करना चाहते थे। रात को वो दोनों बिना किसी को भी बताए अपने होटल से निकलकर एक वॉक पर चले गए। उन्हीं के होटल के पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जो एक खंडर जैसी लग रही थी। उसके सामने ही एक चाय की छोटी सी दुकान थी। वो दोनों उस दुकान पर चाय पीने पहुंच गए। बातों बातों में विशु ने उस भूड़े दुकान वाले से पूछा कि हैदराबाद में देखने के लिए क्या खास है। इस पर उस दुकान वाले ने जवाब दिया कि घूमने को जो है वो उनको उनका फोन बता देगा, पर साथ ही उसने कहा कि हैदराबाद में कुछ ऐसी भी जगहें हैं जिनके आसपास भी उन्हें भटकना नहीं चाहिए, जैसे कि उनके ठीक सामने वाली वो सुनसान बिल्डिंग। ये सुनते ही विशु और उमे की दिलचस्पी और बढ़ गई। उन्होंने दुकान वाले को उकसाया कि वो जरा खुलकर बताए। उस भूड़े दुकान वाले ने उन्हें सचेत करते हुए कहा कि वो बिल्डिंग जो उनके ठीक सामने है वो कोई आम बिल्डिंग नहीं, बल्कि हैदराबाद की सबसे भूतिया जगह है, जिसे लोग खैरताबाद साइंस कॉलेज के नाम से जानते हैं। उस भूड़े दुकान वाले ने बताया कि वो बिल्डिंग अब भले ही बस एक बड़ा सा खंडर बन चुकी है, पर वो आज तक वहां के लोगों को डराए रखती है। उस दुकान वाले ने बताया कि वो बिल्डिंग एक साइंस कॉलेज हुआ करती थी, जहां डेड बॉडीज पर मेडिकल रिसर्च भी किया जाता था। कहते हैं कि उसके बंद होने के बाद वहां से कभी वो डेड बॉडीज हटाई ही नहीं गई, और उस कॉलेज के बंद होने के अगले दिन से ही वहां अजीबोगरीब चीजें होने लगी। दुकान वाला बूढ़ा आदमी ये बात कहते ही मानो कांप सा उठा, जैसे उस जगह का जिक्र ही उसे डराने को काफी था। उस दुकान वाले की बात सुनकर तो विशु और उमे की नींद उड़ चुकी थी। अब उस बिल्डिंग में जाए बिना उन्हें नींद नहीं आने वाली थी। उमे को लगा कि दुकान वाला उन्हें बस डरा रहा था, मगर जब इस बिल्डिंग के बारे में उन्होंने ऑनलाइन रिसर्च किया तो उन्हें कई आर्टिकल्स मिले जो बताते थे कि वो जगह हॉन्टेड है, और कई आर्टिकल्स में तो वहां ना जाने की बहुत सारी वार्निंग्स भी थीं। पर उमे और विशु ने वहां जाने की ठान ली थी। आधी रात के बीच विशु और उमे अकेले ही खैरताबाद साइंस कॉलेज की तरफ चल पड़े। उस पुरानी सी बिल्डिंग को चारों ओर से पेड़ों ने जकड़ रखा था। वहां बिल्कुल अंधेरा था और बस उन्हें चांद की रोशनी से ही आगे बढ़ने का रास्ता दिख रहा था। उमे ने विशु से उसके फोन का कैमरा ऑन रखने को कहा, ताकि वो अगले दिन सुबह सबको दिखा सकें कि वहां कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो उस बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़े, अचानक एक चमगादड़ों का झुंड उनकी आंखों के सामने से गुजरा। विशु थोड़ा घबरा गया, पर उमे अभी भी मस्ती के मूड में ही था। तभी उन्हें पीछे से एक जोर की आवाज आई, ए, कौन है? कौन है माँ? उन्हें दिखा कि उस बिल्डिंग का गार्ड उन्हीं की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। वो दोनों भी जल्दी से भागकर उस बिल्डिंग के अंदर घुस गए।
बिल्डिंग के अंदर घुसते ही उन्हें एक बड़ा सा हॉल दिखा जो धूल मिट्टी से भरा हुआ था। वहां एक बहुत ही गंदी स्मेल थी, जैसे कोई जानवर सालों से मरा पड़ा हो और सड़ रहा हो। पर मकड़ियों के जालों के अलावा अब वहां और कुछ भी नहीं था। अचानक ही उस हॉल में कुछ चटकने की आवाजें आने लगी। उन्हें लगा कि वो गार्ड शायद अंदर आ रहा है, तो वो दोनों फर्स्ट फ्लोर पर भाग गए। ऊपर वाले फ्लोर पर उन्हें चारों तरफ बस बड़े बड़े खाली कमरे दिखाई दे रहे थे, जो शायद एक टाइम पर क्लासेस हुआ करती होंगी। वो आगे बढ़े जा रहे थे कि तभी उन्हें एक रूम से बहुत तेज बदबू आई। उस रूम के अंदर घुसे तो उन्हें लगा कि शायद वो रूम कभी बायो लैब रही होगी, पर अब वो खंडर से ज्यादा और कुछ भी नहीं था। लेकिन उस रूम के कोने में एक खिड़की थी, जिस पर विशु की नजर जाते ही वो सहम उठा। वहां एक लड़की कूदने को तैयार खड़ी थी। विशु उसकी ओर उसे बचाने भागा। उसने उसे चिल्लाकर रोकने की भी कोशिश की, लेकिन विशु ने जैसे ही उस लड़की का हाथ पकड़ा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने किसी लड़की का नहीं बल्कि कोई बहुत ही कठोर चीज हाथ में पकड़ी हो। और तभी विशु और उमे के देखते देखते ही वो लड़की एक कंकाल में बदल गई। ये देखकर विशु ने अपने होश खो दिए और वो उसी खिड़की से फिसल कर नीचे गिर गया। दूर खड़ा उमे सुन्न पड़ गया था। उसने विशु को खिड़की से गिरता देखा, मगर वो कंकाल अब भी वहां था। डर के मारे वो उल्टे कदम भागा, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसे कई सारे कंकालों ने घेर लिया था। वो किसी तरह वहां उस रूम से बाहर भागा और वो सारे कंकाल भी उसके पीछे पीछे आने लगे। तभी उसने देखा कि उस बिल्डिंग का गार्ड नीचे खड़ा है। उसने गार्ड को आवाज लगाई, लेकिन उस गार्ड ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उमे गार्ड के पास भागकर पहुंचा। उस गार्ड की पीठ उमे की तरफ थी। उमे ने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा, वो गार्ड पीछे मुड़ा और उमे की रूह कांप उठी। उस गार्ड का चेहरा जला पड़ा था और उमे के देखते ही देखते उसका चेहरा गलने लगा और उसके चेहरे की हड्डियां दिखने लगी। उमे ने ऐसा भयानक चेहरा आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उमे उसे देखते ही चीख पड़ा और वहां से और तेजी से बाहर भागा। और बाहर भागते भागते उसी भूतिया बिल्डिंग के सामने गिर पड़ा। सुबह जब उमे और विशु के कॉलेज वाले उन्हें ढूंढने निकले, तो उन्होंने उमे और विशु को कई सारी चोटों के साथ उस बिल्डिंग के पास ही बेहोश पाया। वो दोनों 3 दिनों तक हॉस्पिटल में रहे। जब उन्होंने सबको अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया, तो उन्हें और भी कुछ चौंका देने वाली बातें पता लगीं। पहले तो उस बिल्डिंग के सामने कोई चाय वाला कभी था ही नहीं। वो उस रात जिससे भी मिले, वो शायद कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। दूसरा ये कि खैराताबाद साइंस कॉलेज बंद होते ही जिस सिक्योरिटी गार्ड को वहां की देखभाल के लिए अपॉइंट किया गया था, उसकी लाश जली हुई हालत में कॉलेज के अंदर ही मिली थी। जरूर ही उमे ने उसी गार्ड की आत्मा को वहां देखा था। और वो दोनों अकेले नहीं थे जिन्होंने उन कंकालों को देखा था। ऐसे कई और भी लोग हैं जिन्होंने वहां से गुजरते हुए कंकालों को चलते हुए देखा है। विशु और उमे को इस बात पर अब कोई शक नहीं था कि खैराताबाद साइंस कॉलेज हॉन्टेड है, और वो शायद अपने साथ हुए इस भयानक एक्सपीरियंस को कभी नहीं भूल पाएंगे। आपको क्या लगता है, खैराताबाद साइंस कॉलेज सच में हॉन्टेड है या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अब खूनी मंडे के साथ साथ हमारी नई पेशकश फ्रीकी फ्राइडे भी एंजॉय करो।
check out our new exclusive horror story, Cinema Ghar. Only on our Spotify podcast, The Horror Show by Khuni Mande. Link in description. हमारी अगले हफ्ते की कहानी, The Haunted House of Terra Vera, Spotify पर already live है. तो description में दी गई link पर click करिए और जल्दी से उसे सुनिए. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना.